औरंगाबाद के जसोईया मोड़ और महाराणा प्रताप मोड़ जो एक तरह से तिमुहान है, यहाँ की यातायात व्यवस्था पर सीत योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्रों ने जिला प्रशासन से एक अपील की है और कहा है कि कुहासे और कोहरे भरे इस मौसम में, जबकि बारिश भी हो रही हो, यहाँ यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ यातायात पुलिस की गश्ती और ड्यूटी दोनों बराबर देनी चाहिए। सीत योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने यह भी कहा कि आने जाने में सिर्फ उन्हें ही दिक्कतें नहीं होती, बल्कि राहगीरों को, वाहन चालकों को, दुपहिया और साइकिल सवारों को भी काफ़ी मुश्किलें होती हैं। जसोईया मोड़ के पास कई शैक्षणिक संस्थान हैं, आईटीआई है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं और साथ ही कई ऐसे औद्योगिक छोटे छोटी जगह हैं जहाँ कर्मी लगातार काम करने आते हैं। सुबह का समय होता है और वैसे समय में न तो जसोईया मोड़ पे कोई ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, न महाराणा प्रताप चौक पर। तो इस तरह से कामकाजियों और छात्रों को यहाँ यातायात के जो खतरे हैं वो उठाते हुए आने पड़ते हैं। इसके अलावा भी यहाँ जसोईया मोड़ पर कई तरह की ऐसी स्थिति दिखती है जिससे लगता है कि यातायात के प्रति थोड़ी सी बेरुखी प्रशासन के अंदर है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ संकेतकों की हालत ख़राब है, यहाँ ट्रैफिक रूल्स लोग अपने हिसाब से करते हैं, पैदल आने जाने वालों को दिक्कतें होती हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक इंडिकेशंस जो हैं वो टूटे हुए हैं और साथ ही कई जगहों पर अतिक्रमण भी हैं। तो इस मौसम में जब कि यातायात के संकेतों की काफ़ी ज़रूरत होती है आने जाने वाले लोगों की, वैसे समय में औरंगाबाद के व्यस्ततम इस जसोईया और महाराणा प्रताप चौक पर यातायात इंतजामों की कमी होना शहर के लिए अच्छा नहीं है, शहरवासियों के लिए अच्छा नहीं है। और इन हालातों पर सीत योग के छात्रों ने अपील की है स्थानीय जिला प्रशासन से कि वो यहाँ यातायात की व्यवस्था को ठीक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो खतरों की संभावना है उससे टाला जाए और जो खतरे हो चुके हैं यहाँ उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इस तरह की अपील सीत योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने की है, जनहित में की है और औरंगाबाद जिला प्रशासन से की है। मेरा घर सर कर्मा रोड में है, वहाँ से हम सितियों को आने में सर कभी कभी जाम रह जाती है तो बहुत लेट हो जाता है सर, हमें क्लास आने में भी लेट हो जाता है। और थोड़ा मतलब यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहेगा सर तो वो जाम नहीं लगेगा, और यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंटल केस भी बहुत ज़्यादा होती है, औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा सर यहीं पर होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है सर यहाँ में ट्रैफिक पुलिस की, ताकि ये कॉलेज आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरा सितियों में आते पढ़ते हैं तो मेरे जसोईया मोड़ पर जाम मिलता है, जिसकी वजह से मुझे लेट हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारा एक्सीडेंटल केसेस भी होता है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस रहेगा तो वही यहाँ पर जाम का प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ मनमानी भी करते हैं ऑटो वाले, जैसे मन वैसे कर लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जाम। और वही ट्रैफिक पुलिस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमें, हम टाइम से आएंगे, हम लोग का सब कुछ काम। पीपल लोग को भी बहुत दिक्कत होता है, किसी लोग को मतलब ये स्टेशन वगैरह जाना है, इधर अनुग्रह नारायण अपना पड़ता है इधर, उसमें भी लेट होगा, उधर फिर मतलब डिहरी वाले रूट में भी लेट होगा सर, उधर भी मतलब कुछ ज़रूरी काम काम रहता है, सभी लोग का इम्पोर्टेंट जो काम होता है सर उसमें लेट होगा, जाम से सर सभी को लेट होता है। कि वेदर में सर तो जो गाड़ी वगैरह भी दिखते नहीं है सर, तो और सर हाईवे है सर, यहाँ पे बस और ट्रक एकदम स्पीड में चलती है सर, हमें और डर लगता है। अगर वही ट्रैफिक नियम्स रहेंगे, ट्रैफिक रूल्स रहेंगे सर, ट्रैफिक पुलिस रहेंगे सर, तो वो सब कुछ वो हैंडल करेंगे, और यहाँ तो जैसे मन वैसे लोग कर लेता है, जिधर से मन उधर से चला लेता है, टर्न कर लेता है, तो ऐसे में एक्सीडेंट का केस बना रहता है सर और डर लगता है हमें। हम स्टूडेंट लोग को ये सुविधा चाहिए, ट्रैफिक इंडिकेटर भी रहेगा तो हम लोग को बढ़िया रहेगा, ट्रैफिक इंडिकेटर के साथ ट्रैफिक पुलिस सभी व्यवस्था रहेगा ट्रैफिक पुलिस का, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, वहाँ पे जरूरत पड़, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक पुलिस देना, क्या बहुत मतलब एक्सीडेंट होने का भी चांस है, चाहे वहाँ के कारण गाड़ी उड़ी है वो जाम के लगने का भी चांस ज़्यादा रहता है। हमारे यहाँ जो सोया मोड़ है वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत स्थिति ख़राब है सर। जाते हैं हम लोग कॉलेज से अगर बाहर जाते हैं तो हम लोग को इधर बस का इधर से देखना पड़ता है, और यहाँ अब ऐसा मौसम चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग कैसे पार करें, धुंध में बहुत दिखता उखते नहीं है, एक गाड़ी आ जाता है, तो यही बोल रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक हो जाती है। हम लोग रोज़ बस से आते जाते हैं और वहाँ मोड़ पे हम लोग उतरते हैं कॉलेज के लिए, वहाँ ट्रैफिक का भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग को ट्रैफिक क्रॉस करने में कई समस्या करना पड़ता है, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि वहाँ ट्रैफिक लाइन क्लियर रहे, चाहे किसी को आने जाने में समस्या ना हो, हमें क्या किसी अन्य भी व्यक्ति को आने जाने में समस्या ना हो। पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस रहती है, यहाँ पे कई एक बार ऐसा एक्सीडेंट हो भी चुका है, और यहाँ ट्रैफिक पुलिस जसोईया मोड़ पर ना होने की वजह से हम लोग को स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बहुत से परेशानी होती है, इसलिए इस समस्या को समाधान करने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिएगा, कोशिश करवाइएगा। प्रशासन से मांग कीजिए। हाँ, प्रशासन से हमें, जिला प्रशासन से हमें ये मांग है कि ये समस्या को हमें इजीली के थ्रू कह रहे हैं कि ताकि मीडिया के थ्रू उनके पास। यहाँ ट्रैफिक पुलिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जसोईया मोड़ पे, जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह, गाड़ी टक्कर हो जाता है, जिससे हम लोगों को बहुत नुकसान होता है, ट्रैफिक हो जाता है, हम लोग कॉलेज टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं, क्लास लेट हो जाता है, हम लोग का क्लास लेट हो जाता है, तो फिर यहाँ भी दिक्कत होता है हम लोग का पढ़ाई, इसीलिए एक हमेशा एक या दो ट्रैफिक नियम होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे होना चाहिए, जो इस सिचुएशन को दुरुस्त करे और अच्छे से हम लोग कॉलेज आ पाए। देख रहा हूँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा, मैं कम से कम एक से डेढ़ घंटा स्पीड पड़ा, मैं कैसे चलेगा पता नहीं, ये तो ऐसा जगह है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस की हमेशा जरूरत है। क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आगे बात होना चाहिए, आपको जाके बात कीजिए भाई, यहाँ तो जरूरी है। कहना ये हराना है निर्मल कुमार राव, औरंगाबाद जिला में पैरा ही है, बकरी का मौसम है और यहाँ पर ठंड के चलते आदमी प्रसादित हो रहा है, और ट्रैफिक रहने से पब्लिक को सुविधा भी होगा, क्या यहाँ चार महाराज हैं।